कह रहा है कि बाबू 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग क्या है, ठीक है, माने कहने का मतलब स्क्वायर निकालने के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे और सबका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि स्क्वायर का दो हाले आप लोग एक ही संख्या का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जैसे कि 2 का वर्ग का है तो बाबू क्या करेंगे 2 गुणा 2 करेंगे, ठीक है। यानी आप लोग एक ही संख्या के 2 माने के 2 हाले करेंगे, ठीक है, और दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, नहीं समझ में आया, एकदम नहीं समझ में आया आपको, किसको किसको समझ में आया। चलिए हम बोले हैं कि बाबू 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें, कहने का मतलब कि स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्क्वायर। तो पहले 1 से 20 तक संख्या लिखे, क्या लिखेंगे, संख्या, बात समझ में, और उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। इसमें क्या किया जाता है, कोई संख्या मान लीजिए कि 2 हो गया, क्या होगा, तो बाबू यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे और इसको माने 2 गुणा 2 करेंगे, ठीक है, माने एक संख्या रहेगा उसी सेम संख्या को 2 बार गुणा कर देंगे, ठीक है, और इसी को क्या बाबू गुणा करने के बाद जो आएगा आप लोग की संख्या जो भी आप लोग की मान आएगा वही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाबू 1 हो गया, क्या हो गया, तो 1 का वर्ग क्या लिखेंगे बाबू, 1 का वर्ग बराबर होगा 1 का स्क्वायर, बोल रहे थे ना 1 का स्क्वायर करेंगे। अब बाबू यही आप लोग जो नंबर से या संख्या है या अंक है उसको क्या करेंगे बाबू, रिपीट करेंगे, क्या करेंगे, एक बार और रिपीट कर देते हैं, और 2 ही हल, कितना ले, और गुणा के रूप में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद आप लोग को जो मान आएगा वही क्या कहलाएगा, वो 1 के गुणा 1 करेंगे तो कितने बार आएगा, 1, कितना आएगा बाबू, 1, और 2 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा बाबू, 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 गुणा 2 यानी कितना होगा, 4। 3 का करेंगे तो 3 का वर्ग बराबर क्या होगा, 3 के पावर 2 बराबर 3 गुणा 3 और कितना आ जाएगा, 3 3 9, ठीक है, या 3 3 9 कितना बोलेंगे। और फिर 4 का लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, 4 का वर्ग बराबर तो कितना होगा बाबू, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर 4 गुना 4 बराबर 16। अब फिर ओकरा बाद क्या लिखेंगे बाबू, 5, क्या लिखेंगे, 5, तो 5 का वर्ग बताइए तो क्या होगा, पहले गुणा करेंगे 5 का आप लोग स्क्वायर करेंगे, कितना गुणा करेंगे, 2 बार, यानी आप लोग 5 का 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है, 2 से गुणा नहीं, क्या बोल रहे हैं, 2 बार, क्या बोल रहे हैं, 2 बार, बात समझ में, क्या बोल रहे हैं ना। चलिए उसके बाद बोल रहा है कि आप लोग सोचेंगे कि कह रहे हैं कि 2 से गुणा करने के लिए रहा ना, इसका 2 बार यानी इसको एक ही संख्या के 2 बार रिपीट करेंगे और उसका प्रोडक्ट निकालेंगे यानी गुणा करेंगे, ठीक है, बस उनमें या मल्टीप्लाई करेंगे, जो मन प्राप्त होगा वही क्या करेगा, आप लोग का वर्ग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अब 5 कर दिया कितना होगा, 25 यानी 5 के पड़ा 5 आई पड़ा तो कितना होगा, 25, कितना होगा, 25। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग बराबर आप लोग क्या हो जाएगा बाबू, 6 का स्क्वायर बराबर 6 गुना 6 बराबर 6 4 6 6 यानी 6 6 जा कितना होगा बाबू, 36, कितना होगा, 36। अब ओकरा आगे देखिए बाबू, आप लोग का 6 के बाद आता है 7, क्या आता है, 7 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 इंटू क्या करेंगे, 7 और 7 7 49। अब बता रहे हैं कि 8, क्या बोले बाबू, 8, और 8 का जो वर्ग होगा 8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 8 गुना 8 करेंगे, 8 8 24। फिर 9 का करेंगे, कितना करेंगे बाबू, 9 का वर्ग, क्या बोलेंगे, 9 का वर्ग यानी 9 का स्क्वायर बराबर 9 गुना 9, 9 9 11, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मतलब समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर क्या करना है बाबू, आप लोग का 9 के बाद क्या आता है बाबू, आप लोग बता रहे हैं 10, क्या होगा, पूछा जाएगा कि बताएं कि 10 का वर्ग बराबर क्या होगा, तो 10 का गुणा कहाँ करेंगे, 2 वाली, यानी 10 गुणा 10 बराबर कितना का, 100 100। कैमरे में आ रहा है ना, हाँ चलिए ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि 20 का कितना का बोले बाबू, नहीं 20 का हम 11 का वर्ग क्या लिखेंगे, 11 गुना क्या करेंगे, 11 क्या करेंगे और 121 लिखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, माने कहे तो मतलब 121। आप ध्यान दीजिए, सबका ध्यान मेरे तरफ होनी चाहिए, अब लिखना बंद करो, ठीक है, तो कौन कौन लिख रहा है, 12 का वर्ग क्या बोले हैं, 12 गुना 12 क्या बोलेंगे और 144 क्या होगा, हम ओकरा बाद 13 क्या बोले हैं,
तेरह का वर्ग का बोले है, तो माने का तेरह गुना का होगा बाबू 169 का बोलेंगे। फिर का बाद का होगा, तेरह के बाद 14 का वर्ग बराबर क्या होगा बाबू 14 गुना 14 बराबर 196 यानी क्या है, तो मतलब कि 196 कितना होगा, 196 मेरे पास सुन में है ना। आप बता रहे हैं कि बाबू 14 के बाद क्या आएगा 15 का बोले हैं, तो 15 का वर्ग कितना होगा 15 गुना 15 तो 225। और 16 का वर्ग पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे बाबू, यानी 16 का वर्ग बराबर क्या होगा बाबू 16 गुना 16 बराबर कितना होगा 256 कितना होगा 256। तो मेरे पास समझ में क्या बोले है, अब क्या बस 16 के बाद क्या आता है 17 क्या आता है, 17 का वर्ग बराबर क्या होगा बाबू 17 गुना 17 बराबर क्या होता है बाबू 289 कितना होगा। मेरे पास समझ में ना, फिर ओकरा का समझ में आया, मतलब गुणा तो करना है समझ ना का है, नहीं रास्ता नौ सर बोल रहा है। 18 का वर्ग बराबर क्या होगा बाबू 18 गुना 18। तो ऐसा ही ना क्वेश्चन दिया था आप लोग एग्जाम में, तो कोनो कोनो गलती कर दिया है। 324 क्या होगा, 18 के बाद क्या आता है 19 क्या आता है, 19 का वर्ग बराबर क्या होगा बाबू 19 गुना 19 बराबर क्या होगा 460। और आप लोग भी ध्यान दीजिए ठीक है, और देखिए बाबू इधर बोले हैं 1 से क्या बोले बाबू 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग निकाले या ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है बाबू 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। और यहाँ पर देखिए वर्ग का मतलब होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, और बाबू इसको बोल रहे हैं कि वर्ग मतलब के जो संख्या का वर्ग कहा जाएगा उसको दो हाली लिखेंगे, कितने हाली लिखेंगे दो हाली, कितने हाली दो हाली, और दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे और या उसका प्रोडक्ट निकालेंगे और या मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मान आता है उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे कि 1 का वर्ग क्या बोले बाबू 1 का वर्ग बोले है ना, यहाँ पर क्या बोले 1 का वर्ग तो यानी 1 का स्क्वायर किए ठीक है, पावर 2 लिखे, और एक ही संख्या जो 1 है उसको 2 वाली लिखे, 1 के पावर लिखे 2 वाली, उसके क्या किया मल्टीप्लाई किए, क्या किए, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मान आया वही क्या कहलाएगा बाबू आप लोग का उसका वर्ग कहलाएगा। तो 1 का वर्ग 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 बराबर क्या होगा 1, तो 1 जो हुआ आप लोग के 1 का वर्ग कहलाएगा, क्या कहलाएगा 1 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या बोले बाबू 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर, क्या बोले बाबू 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2 बराबर क्या होता है 4 होगा, समझ में आना। तो यानी आप लोग 2 को क्या हाले गुणा किया 2 हाले पहले लिखे और उसका क्या किया गुणा किए 2 गुना 2। अब 3 का वर्ग बोला है, किसका बोला है बाबू 3 का, किसका बोला है, अब देखिए 3 का जो वर्ग है यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखे है और 3 को 2 हाले का है, हम पहले कहे कि वर्ग का है या स्क्वायर का है उसमें 2 हाले लिखे, कितना हाले लिखेंगे 2 हाले, तो 3 गुना का होगा 3 यानी 3 जा का होगा 9 का होगा 9, जो 9 आया है 3 का है वर्ग है, क्या है वर्ग है। और 4 का वर्ग क्या बोलेंगे 4 का वर्ग, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और 4 को 2 वाले लिखेंगे और उसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 4 यानी आप लोग कहा जाएगा 4 चौके 16 या 4 4 जा 16 क्या लिखेंगे बाबू 16। तो मेरे पास समझ में है ना। और फिर उसके बाद 5 क्या बोले 5, तो 5 का वर्ग आप लोग के कहा जाएगा 2 वाले लिखेंगे और 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 6 का भी क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 7 का वर्ग क्या हो जाएगा बाबू 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और 8 का वर्ग कोई पूछेगा तो 8 × 8 = 64, 9 का कोई वर्ग पूछेगा तो 9 × 9 यानी 89 ठीक है, क्या होता है 89 यानी 9 × 9 = 81 यानी आप लोग इस समझ में क्या ना, मैंने जिस संख्या का कहे वर्ग निकालने के लिए उसको 2 हाले पहले लिखेंगे, क्या करेंगे बाबू 2 हाले, कितने हाले 2 हाले, और 2 हाले लिखने के बाद उसको गुणा करेंगे, क्या करेंगे अब गुणा करने के बाद जो मान आएगा वही आप लोगों का क्या कहलाएगा वर्ग, मूल नहीं कहलाएगा वर्ग कहलाएगा, क्या कहलाएगा वर्ग यानी 10 का वर्ग बराबर 10 × 10 यानी कितने वाले गुणा करेंगे 2 वाले, 10 का कहले 2 वाले माने के 2 वाले में 10 × 10 करेंगे और गुणा करने के बाद जो मान आएगा 100 आएगा, क्या आएगा 100। उसके बाद 11 का वर्ग 121
12 का वर्ग 144 ठीक है, अब 13 का वर्ग 169 यानी कह सकते हैं 169 कितना बोलेगा बाबू 169, 14 का वर्ग 196 क्या बोलेंगे 196 क्या बोलेंगे, और बाबू बता रहे हैं कि 15 का वर्ग कहा जाएगा 225 क्या बोलेंगे, 16 का वर्ग बराबर कहा जाता है 256 256, और 17 का वर्ग क्या होता है 289, 18 का वर्ग क्या होता है 324, और बताए 19 का वर्ग क्या होगा 361, अब 20 का वर्ग क्या होगा आप लोग का 400 यानी कर सकते हैं कि 400 क्या बोले, यानी इंग्लिश में बोले ना बुझाया है उनका तो 1-2 नहीं आ गए बिठाएगा, बोल रहा है कि 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा, 15 का वर्ग 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 200 का 20 का होगा 400 कितना होगा 20 का 400 ठीक है, तो मेरा बात सब समझ में आ गया एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग क्या करेगा इसको अभी आप लोग छोटे छोटे हैं इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग क्या करिए अभी 20 तक याद कर लीजिए, और जब कंपटीशन में जाएंगे तो कम से कम 50 तक याद करिएगा ठीक है, कितना का कम से कम 50 तक आप लोग याद कर लीजिएगा कंपटीशन में जाएंगे तब, और ना तो आप लोग को बता रहे हैं कि बाबू अभी छोटे लेवल पर है इसलिए हम 20 तक लिखवाए हैं, और 20 तक क्या करना है ऑटो पर करना है, और आने वाले भविष्य में कंपटीशन में क्या करना है फाइट करना है, तो फाइट करना है तो आप लोग समझ लेना इसको याद करके रखना पड़ेगा, तो मेरे साथ सब कोई बोलिएगा एक बार जल्दी जल्दी, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, खाली ऐसे बोलिए एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग सोलह, पाँच का वर्ग पच्चीस, छह का वर्ग छत्तीस, हम बोलते रुक जाओ, सात का वर्ग उनचास बोलो तुम लोग, सात का वर्ग उनचास, आठ का वर्ग चौसठ, नौ का वर्ग इक्यासी, दस का वर्ग सौ, ग्यारह का वर्ग 121, बारह का वर्ग 144, तेरह का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 200 का वर्ग 400, तो समझ आया सबको क्लियर है ना एकदम मस्त से ना, चलिए ठीक है अब आप लोग क्या करेंगे इसको जल्दी नोट कीजिए ठीक है जल्दी